शुरुआत है वो आदाब दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ से स्टार्ट करने वाले हैं। Before that, Sameer, can we, before we take questions, could you just say a little about the film? या फिर आप कुछ बता सकते हैं हम पहले वो बता दें। Well, हिंदी में ना? पर क्या है, मेरे को आते हुए अभी काफ़ी गैप हो गया है। एक फिल्म आई थी अमला पगला दीवाना 2011 में, और वो भी कुछ 4 साल पहले आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। एंड काफ़ी टाइम से मैं कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आइडिया लगा रहा हूँ, पर अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। एंड आदाब दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। तो मैं गया था सुईगाम, गुजरात में है, वहाँ मेरी मुलाकात विजय भाई से हुई और हमने आइडिया डिस्कस किया और आइडिया इनको बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला कि चलो इसको स्क्रिप्ट बना देते। स्क्रिप्ट बनी तो सबसे पहले फ़ोन किया मैंने मनोज को, एंड मनोज को कहानी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। फिर एक ऐसा टक्कर का एक्टर चाहिए था जो उनको एकदम मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो मैंने शारिब को फ़ोन किया। इनकी एक फ़िल्म आई है, बहुत बड़ी हिट हुई है, क्रिटिकल एक्लेम है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, फिल्मिस्तान। तो हमने एक कास्टिंग इस तरीके से करी कि हमें ये इसके लिए जो टैलेंटेड एक्टर्स चाहिए और जो कैरेक्टर को सूट करते हैं, तो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया मैंने विजय भाई ने। एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट आवर फिल्म दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। जो बैकग्राउंड आपने लिया, ये पूरा भुज का एक सीन है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वेल, बैकग्राउंड क्या है, ये भुज में भी है और सुईगाम में भी है, मतलब इसे वाइट रन कहते हैं, रन ऑफ कच्छ पे है ये पूरा लोकेशन। एंड क्योंकि अपनी कहानी गुजरात बेस्ड है, पूरी कहानी गुजरात की है, तो इसकी शुरुआत भी गुजरात में होती है और ख़त्म भी गुजरात में होती है। और जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो मनोज खेल रहे हैं और जो शारिब खेल रहे हैं, वो गुजराती कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए गुजरात इज द एप्ट लोकेशन फॉर इट। समीर, आपसे जानना चाहूंगा, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का बहुत ही पुराना कनेक्शन रहा है, सो व्हाट न्यू कैन वी सी इन दिस? बिकॉज़ ओवर द इयर्स वी हैव सीन रामगोपाल वर्मा कम अप विद अ अंडरवर्ल्ड फिल्म एंड वही रिपीट होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं दाऊद इब्राहिम से सेंट्रिक ही है, एंड ऑफ कोर्स अंडरवर्ल्ड जो है दाऊद इब्राहिम के आसपास ही घूमती है। आप क्या फिल्म में नहीं दिखाएंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कॉमेडी फिल्म है, आई थिंक वो सबसे अलग चीज़ है, क्योंकि अभी तक से जो भी, जैसा आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड पे जो भी फिल्में दिखाई हैं वो राम गोपाल वर्मा स्टाइल में दिखाई है, या निखिल अडवाणी ने बनाई है, या संजय गुप्ता ने बनाई है, यू नो दे आर ऑल वेरी डार्क फिल्म्स, थ्रिलर, गैंगस्टर बेस्ड, बट अपनी इसमें कुछ नहीं है ऐसा। आई मीन आज इज़ अ कॉमेडी, एंड कुछ पोर्ट्रे करने के लिए आई हैव लर्नड इट फ्रॉम आई थिंक राजकुमार हिरानी, दैट द मोस्ट यू नो सेंसिटिव इश्यूज और वट एवर इशूज़ दे मे बी, उसको कॉमेडी के जरिए भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। आई मीन इसका सोल्यूशन तो खैर कोई नहीं, आई मीन फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, एंड इसका जो स्टोरी टेलिंग है, उसके जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत सीरियस है, उनकी सिचुएशंस थोड़ी कॉमेडी, मतलब जो उनको कॉमेडी में यू नो ल्योर करती है वो, बिकॉज इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, इट्स नॉट लाइक अ गोलमाल और इट्स नॉट लाइक इवन YPD, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ सिचुएशनल कॉमेडी जहाँ कैरेक्टर्स बहुत सीरियस है बट उनकी सिचुएशन कॉमिक है। The first time Sameer called me to, you know, call me for the narration, मुझे लगा कि हाँ एक कोई character वाला कुछ वो होगा या एक ऐसा कोई supporting cast होगी, मतलब मनोज बाजपेयी already वो कर रहे हैं, तो मैं तो एक तो बहुत बड़ा लालच था कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, but when I heard the entire narration तो मैं बोला यार ये तो ऐसा रोल है कि मतलब किसी कीमत पे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, मतलब आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद मनोज जी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विद समीर भाई, तो एंड प्लस द कॉन्टेंट इज सो गुड, मतलब मेरे लिए तो सब बोनांज़ा है, मतलब एवरीथिंग इज डबल वैनी। हाँ, नर्वस फील कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं जब मुझे सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जब लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो जो जो चीज़ें बोलते हैं तो मैं मतलब पूरा कंबल के अंदर घुस जाता हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ। आई होप
आदाब, मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ, उनको उतना ही सेटिस्फाई करेगी जितना फिल्मिस्तान ने किया। एंड शारिब, आफ्टर विनिंग अ अवार्ड फॉर फिल्मिस्तान इन मलेशिया फॉर जी, सो हाउ डू यू फील, लाइक आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए? मेरे एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से ही बढ़े हुए हैं। मतलब इस फिल्म से भी आपको अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड का पता नहीं, मैं मतलब मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी, और अगर अवार्ड मिलेगा तो मैं उसको डेफिनेटली जाऊंगा लेने के लिए। मैं किसी भी अवार्ड को बॉयकॉट नहीं कर सकता। एज एन प्रोड्यूसर, ये आपकी पहली फिल्म है राइट, तो कुछ बताना चाहिए फिल्म का बजट कितना होगा और ये फिल्म कब तक आएगी लोगों के बीच? फिल्म का बजट तो जैसे हीरा होता है तो उसकी कीमत तो जो भी नहीं कर सकता, तो अभी बजट तो हमने जो डिसाइड किया है वो हमारा है ही, अंदर बजट तो बता नहीं सकते आपको। और मेरी पहली फिल्म है और मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं सोचा चलो पहली फिल्म करते हैं। समीर जी, आप बताइए कि फिल्म कब तक आ जाएगी लोगों के बीच में, और फिल्म की जो शूटिंग होगी वो कहाँ कहाँ होगी और शूटिंग स्टार्ट कब से होगी? वेल, ये सवाल आई थिंक विजय भाई बेस्ट दे सकते हैं कि शूटिंग हमारी मार्च में शुरू होगी और कहाँ कहाँ लोकेशंस में शूट होगी इसके बारे में। ऐसे फिल्म तो पूरी गुजरात में शूट हो रही है, तो लोकेशन में तो हमने अंकलेश्वर लिया हुआ है, सुईगाम लिया हुआ है, सुईगाम से जो पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान के, तो वो बॉर्डर भी ली हुई है। समित जी, जैसा कि शारिब है यहाँ और मनोज वाजपेयी भी है इस फिल्म में, बट कोई फीमेल एक्टर नहीं है, कोई खास वजह या फिर? नहीं, एक्चुअली जो फीमेल का कैरेक्टर है वो बहुत छोटा है इस फिल्म में, एंड प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं जो मेन लीड हैं वो ये दोनों ही हैं, बाकी सब कैरेक्टर्स के तौर पे आएंगे और जाएंगे फिल्म में। स्टोरी कुछ क्या कुछ ब्लैकमेलिंग टाइप की है, कुछ ब्लैकमेल करता होगा नाम लेकर कुछ इस तरह का? इंटरेस्टिंग आइडिया, ये आपका आइडिया मेरे को अच्छा लगा, बट नहीं ये ऐसी नहीं है। और I mean, इस पे मैं जरूर, जैसा ये कह रहे और सोचने पे जरूर आपको मजबूर करेंगे हम, ये आप गेस करते रहिए और तब तक हम फिल्म बनाते हैं, फिर दोबारा जरूर मिलेंगे, तब आप मेरे को पूछेंगे अच्छा ये ट्रेलर मैंने देखा, ये तो वो नहीं था जो मैंने सोचा था। समीर और सारी बात दोनों से जानना चाहूंगा, अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड रही हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम ओपनली लिया नहीं गया, आप लोगों ने नाम लिया है, तो एनी चांसेस की मतलब उनकी तरफ से कुछ कॉल या फिर ऐसा कुछ आया है, तो ऐसे कुछ बैक है सोचते रखा है? कुछ भय है इस बात का, एनी इनसिक्योरिटी आपको है? भाई से भाई तो सब आपको है। वेल, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरे बिन लादन, तो लोगों ने एक टाइटल रखा था तेरे बिन लादन, एंड वो बिन लादन के ऊपर फिल्म थी, या उसको इम्पर्सनेट करके कोई कुछ अपना जुगाड़ फिट कर रहा था, एंड दाऊद इब्राहिम ऐसा नाम है जो चलो आज इंडिया में मतलब न्यूज़ में रहता है नाम, और उसके ऊपर चर्चा बहुत होती है, बट नहीं इसमें इट्स अ टाइटल, और नाम में क्या रखा है, यू नो शेक्सपियर सेड देयर इज नथिंग इन द नेम। अभी जो दौर चल रहा है वो ये चल रहा है, आई एग्री विद यू। वेल सी, द टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म, द वे द फिल्म इज स्ट्रक्चर्ड, एंड हर फिल्म का एक नई टाइटल होता है, जैसे इनकी फिल्म का नाम था फिल्मिस्तान, एंड इस फिल्म का नाम है आदाब, दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ, तो हर फिल्म का एक नाम उसकी स्टोरी से रिलेटेड देना पड़ता है, तो इसीलिए ये नाम हमने रखा है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आर स्टोरी। मोदी सरकार है और इसमें लगातार डेली बयान आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी रोज बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, क्या इससे कुछ हवा नहीं मिलेगी कि दाऊद इब्राहिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए? अभी कुछ दिन पहले आज तक में आ रहा था कि आज तक ने अभी कुछ 26 दिसंबर को एक न्यूज़ ब्रेक करी थी, एंड कोई जाने माने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि पहली बारी ये आवाज़ आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है, एंड उसमें मतलब हर चीज़ अब थोड़ी बदलते जा रही है, बट ना हम इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो आइदर कॉन्ट्रोवर्शियल है या नहीं है, इट्स सिंपली एन एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म जो तैयार होने की कोशिश हो रही है। समीर जी, आपका दाऊद कहाँ से बोल रहे हैं, पाकिस्तान से या दूसरी जगह? काश मुझे पता होता, आई थिंक किसी को नहीं पता, मुझे पता है वो कहाँ से बोल रहे हैं, मुंह से।
आप कह सकते कि दाऊद एक कॉमेडी के सीन में दिखाया जाएगा इस फिल्म में? नहीं कह सकते। एक्चुअली मेरे पास एक कहानी और थी और इस कहानी को खराब करने वाला ये आदमी है और मैंने आधी स्क्रिप्ट लिख ली थी एंड किसी ने मेरे को बोला जाके फिल्मिस्तान देखो, तो मैंने बोला हाँ ठीक है देख लूँ। जब मैंने कहानी ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट कर ली तो फिर भी किसी ने मेरे को बोला जाके फिल्मिस्तान देखो, ऐसे हाँ देख लूँगा। फिर मेरे दिमाग, और उसकी DVD रिलीज़ नहीं हुई थी एंड ये फिल्मों में तो बेच रहे थे पायरेटेड DVD पर, हमको नहीं मिल रही थी। तो जब तक ओरिजिनल नहीं आए तब तक मैंने कहानी पे बहुत काम कर लिया था और जब आई तो मैंने DVD देखी और मैं बहुत अपसेट हो गया कि इन्होंने मेरी पूरी कहानी ख़राब कर दी। तो मैंने वो स्क्रिप्ट स्क्रैप कर दी और फिर मैंने सोचा को एक नए स्क्रिप्ट पे आइडिया लगाऊं, बट गुजरात वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि मेरे को शूटिंग गुजरात में ही करनी थी। तो उसको एक बेस पकड़ के मैंने एक नई स्टोरी डेवलप करी और वो ये है। समीर और सारे आप दोनों से जानना चाहूँगा इंडिविजुअली, आप दोनों का व्यू चाहिए मुझे। ऑफ लेट जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म होती है उनको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं रहा है कि शाहरुख का सलमान की फिल्मों तो ही हम देखने जाएं। फिल्मिस्तान जिसमें कोई स्टार नहीं था फिर भी लोग उसे देखने गए थे, अप्रिशिएट किया था, क्या लगता है दिस विल बी वन ऑफ द फिल्म जहाँ पर कंटेंट देख कर लोग जाएंगे फिल्म देखने? यू आंसर फर्स्ट। बिल्कुल 100%। अभी हम मनोज जी तो ऑलरेडी स्टार हैं उन, मतलब वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी उतना बड़ा नाम नहीं हुआ हूँ कि मेरे नाम पे मतलब टिकटें बिकेंगी और वो सब, बट कंटेंट हमेशा से ही, भले बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, कंटेंट ही हमेशा से किंग रहता है। शुरुआत के पहले 3 दिन के बाद में अगर कोई पब्लिक वापस से जाती है फिल्म देखने तो वो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट। अगर आज कहानी चल रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही है और अगर एक दबंग चल रही है उसके साथ में लोग फिल्मिस्तान भी देखने जा रहे हैं तो हमारे लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं है। इससे अच्छा फेज़ हिंदी सिनेमा के लिए पहले कभी नहीं था जितना अब चल रहा है। और फिल्मिस्तान के दौरान हमें पता चला कि आप एक्टिंग के अलावा भी आपने इनपुट दिए थे। मैंने डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म के, फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, तो इस फिल्म में भी ऐसा कुछ आपकी तरफ से एक्टिंग के अलावा? इन्होंने मुझे कुछ करने को दिया ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, पूरी टाइट बाउंड विद डायलॉग्स, मुझे नरेशन दिया बाउंड स्क्रिप्ट, तो मेरे लिए तो कुछ करने के लिए रखा ही नहीं इन्होंने। बट एज एक्टर्स क्या होता है कि जब सब काम करते हैं, जैसे मैंने कई आइडियाज जब मैंने विजय भाई के साथ काफ़ी समय बिताया सुईगाम में, तो कई चीज़ें होती जो हम मिस कर देते हैं। हम यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, यू नो दिल्ली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें जो होती ना उनका फ्लेवर, तो फ्लेवर मैंने सब इनसे एक्सट्रैक्ट कर लिया इतने दिन रहकर उनसे। और इनमें इस फिल्म में कई डायलॉग्स भी हैं जो ये बातों बातों में बोल देते पर मैं उठा के उसको स्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ। काफ़ी मतलब फिल्मिस्तान मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मेरे करियर का, तो उसके बाद से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें ही हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी। आई एम रियली हैप्पी इन द स्पेस आई एम इन राइट नाउ, सो आई एम रियली फॉर्चुनेट टू गॉड, थैंकफुल टू गॉड एंड रियली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। वॉट एवर इज़ हैपनिंग टू मी इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। आप लोग मेरे साथ बातें कर रहे हैं, समीर भाई जिन्होंने सनी भाजी, धर्म जी मेरे मतलब फेवरेट एक्टर्स के साथ में इन्होंने काम किया है, वो मुझको कास्ट कर रहे हैं अपनी फिल्म में अलॉन्ग विद मतलब अनदर फेवरेट एक्टर ऑफ माइन मनोज बाजपेई, तो दिस इज़ द बेस्ट। एनी मतलब इससे अच्छा मैं और कुछ मांग नहीं सकता ऊपर वाले से। और इसके अलावा और कोई फिल्में हैं? इसके अलावा भी बदमाशियां मैंने की है जो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है और वो भी बहुत यारी, इट्स अ रोम कॉम, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म है। अरे वेरी गुड, मुझे तो कब से पता था ये, वो मैं अटक जाता हूँ, मेरे को मैसेजेस आते हैं, मेरे को गाली आते हैं, सो आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट नो, मैं तो वेगास में रहा, मेरे को कुछ नहीं पता।